स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है 1792 पदों पर जो है भर्ती के लिए जो है व्यापम ने आदेश जारी किया है। तो छात्रों के लिए जो है इस वक्त की सबसे जो है बेहद इंपॉर्टेंट, छात्रों के लिए जो है सबसे बड़ी खुशखबरी, जो है बिगेस्ट जानकारी, जो है न्यूज़ अपडेट निकल के आ रहा है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना होगा, चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कट ऑफ लिस्ट के बारे में बताऊंगा, साथ ही बुक लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि आपको जो है कौन कौन से बुक से जो है पढ़ाई करना है जिससे आप एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि 1792 पदों के लिए आपको आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है और आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा। तो कम्प्लीट जानकारी जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन जो है जारी किए जा रहे हैं ताकि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट को जो है जॉब मिल सके, रोज़गार मिल सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है अभी अगले साल 2023 में चुनाव होने वाला है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक जो है नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी किए जा रहे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट को रोज़गार जो है मिल सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1792 पदों पर जो भर्ती निकला है वो कौन सी पोस्ट है और कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है और किस तरीके से फिलअप कर पाएंगे और किस तरीके से आपको तैयारी करना है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। सो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में जो है 45,000 अनियमित व संविदा कर्मचारियों को जो है आप छत्तीसगढ़ में रेगुलर करने की जो है, तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के लिए दिशा निर्देश जानकारी निकल के आया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जो है शासन को प्रस्ताव भेज दिया है और अगले साल शुरू होंगे दोनों कॉलेज। तो कवर्धा और जांजगीर चांपा दोनों कॉलेज में जो है 1792 पदों पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी मोस्ट वेटेड जो है भर्ती अपडेट जो है जानकारी निकल के आ रहा है, जिसमें आप लोग जो है बहुत आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो कवर्धा और जांजगीर चांपा में अगले साल नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार से जो है 1792 नए पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया है। नए कॉलेजों में जो है अस्पताल में 1232 और मेडिकल कॉलेजों में जो है 560 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस सेटअप के अनुसार नए कॉलेजों में जो है डॉक्टर, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत होगी। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने जो है पदों की स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए सूचना भी जारी कर दिया जाएगा। अगले साल कवर्धा, जांजगीर चांपा के अलावा आपके जो है मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में भी नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो आप लोगों के लिए रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर हैं। एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसी, नई नई भर्ती विज्ञापन जो है जारी किए जा रहे हैं, जिससे कि छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को जो है जॉब मिल सके, रोज़गार मिल सके और आप जो है बेहतर एग्ज़ाम में जो है परफॉर्मेंस आप जो है कर सकते हैं। और 100 सीटें होंगी प्रत्येक कॉलेज में। तो केंद्र प्रवर्तित योजना फेज 4 के तहत प्रदेश में अगले साल 4 नए मेडिकल कॉलेज कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा शुरू होने की संभावना। इसमें कवर्धा और जांजगीर चांपा में MBBS के 100 सीटें होंगी। अगले साल MBBS की सीटें 1570 से बढ़कर 1970 जो है हो जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए जानकारी है। तो इसमें जो है 1792 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है नई अपडेट जो है जानकारी निकल कर आया है। और आप जो इस 1792 जो नए पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो है बारीकी से जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। देखिए, आप यदि रेगुलर पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, तभी इसका एक बेहतर रिज़ल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हैं और फिर बीच में आप जो है गैप कर देंगे, उसके बाद फिर से आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो आपको जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो उसका एक बेहतर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं होता, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है आसान है। बस उसके लिए आपको जो है मेहनत करना है, तैयारी करना है, हार्डवर्क करना है, आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना है, उसके लिए अच्छे से जो है तैयारी करना है, तभी आप एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगे, तो ऐसे सोचना बिल्कुल भी गलत है। खुद के ऊपर जो है सबसे पहले भरोसा करना सीखे। किसी को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको खुद के ऊपर जो है अपने आप पर भरोसा होना चाहिए,
खुद के ऊपर जो है आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है। अगर मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे ज़िंदगी में सक्सेस होना है, कामयाबी हासिल करना है, तो उसके लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। ऐसी होनी चाहिए आपके अंदर वो जज्बा, जो आपके अंदर वो जज्बा है तो बेशक आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर नॉलेज जो है मिल सके। तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी जो है 1792 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकल कर आ रहा है, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। और आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं होता, सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है आसान है, बस उसके लिए आपको जो है मेहनत करने की देरी होता है। आप लोग मेहनत नहीं करते, इसी वजह से आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना, जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रिपरेशन करना, जितना ज़्यादा हो सके आपको तैयारी करना, ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर ला सके और आपका सिलेक्शन जो है देखने को मिल जाए। तो आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि 1792 नए पदों पर भर्ती आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो है आवेदन आप जो है कर सकते हैं। तो डेली जो है सीजी करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, करंट अफेयर्स की नॉलेज जितना ज़्यादा हो सके आप जो है पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं होता, सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है आसान होता है, और बस उसके लिए जो है मेहनत करने की देरी होता है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, उसका जो है एक बेहतर रिज़ल्ट आपको जो है देखने को मिल पाएगा। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, बस उसके लिए आपको जो है मेहनत नहीं करते, इसी वजह से आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। तो जितना ज़्यादा हो सके जो है मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी त्रुटि जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बना रखे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ अपडेट लेकर आप सभी के लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। तो छत्तीसगढ़ में जो है 1792 नए वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं, जिसमें आप लोग बहुत ईजिली जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। बस खुद पर भरोसा करना सीखें, बस खुद पर अगर आपको भरोसा है तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को जो आप क्वालिफाई कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको सफलताएं जो है ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कामयाबी सफलता जो है सक्सेस एक दिन जो है ज़रूर मिलती है। तो अगर आपको कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको मेहनत करना होगा, तो मेहनत ज़रूर कीजिए और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। धन्यवाद।